नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज और आप सिनेस्पिक्स देख रहे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं सीरियल भाग्यलक्ष्मी की। वेल दोस्तों, आप सबको पता है कि पागलखाने से लक्ष्मी को आयुष और सालू ने आज़ाद करवा लिया। उसके बाद जो है वो लोग लक्ष्मी को लेकर बाहर आ गए हैं। इधर जो डॉक्टर है पागलखाने का, उसने मलिष्का को कॉल करके बता दिया है कि लक्ष्मी को ऋषि बाहर लेकर चले गए हैं। उसके बाद अब मलिष्का जो है वो अपने घर से निकल जाती है। क्या तो इस लक्ष्मी का काम ही तमाम कर देना है। लेकिन लक्ष्मी का जो भाग्य है ना, बहुत मजबूत है। मतलब मलिष्का अपनी सारी कोशिश आजमा ले रही है, फिर भी वो लक्ष्मी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो आप ही समझिए कि लक्ष्मी का जो भाग्य है वो कितना उसका साथ दे रहा है। उसके बाद अब क्या होता है, ऋषि और लक्ष्मी की नोकझोंक होती है। लक्ष्मी का जो छोटा सा गुड्डा है जिसका नाम लक्ष्मी ने ऋषि रखा है, उसको गिर जाता है कहीं। उसके बाद अब लक्ष्मी कहती है कि ऋषि को आइसक्रीम खानी थी, आइसक्रीम खाना है, मैं अकेले जाऊँगी। उसके बाद ऋषि पीछे पीछे चलता है तो लक्ष्मी कहती है मैं अकेले जाऊँगी। उसके बाद ऋषि अकेले लक्ष्मी को छोड़ देता है। इधर आयुष और शालू आकर कहते हैं कि दीदी मिली, तो उसने कहा हाँ लक्ष्मी मिल गई है। तब तक लक्ष्मी मिलती ही नहीं, लक्ष्मी अकेले कुछ दूर चली जाती है। अब सब लोग परेशान परेशान कि लक्ष्मी कहाँ है। अब लक्ष्मी पहुँच जाती है कहाँ, तो अपने घर। जी हाँ, इधर कॉल करके बताया जा रहा है कि लक्ष्मी अपने घर पहुँच गई है। अब मलिष्का क्या करेगी, आप लोग सोचिए।